वैसे तो इनके अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात मैं तो ये ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को सावधान करने के उद्देश्य से, कि सपा परिवार में पिछले काफ़ी लंबे समय से जो आपसी वर्चस्व को लेकर जो घमासान मचा हुआ है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो अभी ये लोग श्री राम गोपाल यादव की वापसी कर ले, चाहे कितने भी लिपा पोती कर लें, चाहे वो शिवपाल यादव को फिर से मंत्री बना दें, तो कितना भी ये लोग लिपा पोती कर लें, लेकिन सपा परिवार में जो दो खाई पैदा हो गई है, इनका परिवार दो खेमे में बढ़ गया है, एक अखिलेश खेमा है और एक शिवपाल खेमा है। तो होगा क्या, चाहे कितना भी लिपा पोती कर ले आपस में, चाहे ये लोग मीडिया के अंदर दिखाने के लिए कि ये ऐसा इम्प्रेशन दे दे कि पूरा परिवार एक हो गया, वो हुआ नहीं है, क्योंकि इतनी गहरी खाई इस परिवार में पैदा हो गई है। इसलिए मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब चुनाव होगा तो चुनाव में चाहे ये लोग मिलके ऊपर ऊपर कितना ये इम्प्रेशन देते रहे कि हम लोग सब एक है सपा परिवार के लोग, लेकिन होगा क्या चुनाव में कि जिन सीटों पर सपा खेमे के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उन कैंडिडेट को, उन उम्मीदवारों को तो दूसरा खेमा हराएगा, अखिलेश का खेमा हराएगा, और जहां अखिलेश खेमे के लोग चुनाव लड़ेंगे तो वहां शिवपाल खेमा उनको हराएगा। तो इसमें होगा क्या कि जो सपा का जो बेस वोट है यादव समाज का, वो दो खेमों में बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में मेरा फिर से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना थोड़ा भी वोट सपा को देते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा।